हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल स्टडी विद विलोक्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2019। तो रिवाइज रिजल्ट के बाद इसकी कट ऑफ कितनी कम होगी, तो वो पूरी चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी, तो अगर इसमें जैसे कि जनरल की कट ऑफ बात करें, हम जनरल की जैसे कि जनरल की कट ऑफ 18 गई है, रिटर्न गई है। जो भी पहले अगर जो रिवाइज रिजल्ट के जो पहले कट ऑफ गई थी वो 80 गई है। अब उसका वापस रिवाइज रिजल्ट आएगा तो इसमें कितने नंबर डिक्रीज होंगे तो वो देखेंगे। तो अभी जैसे कि 18 गई थी तो डिक्रीज हो के आपके नंबर 12 से 16 नंबर इसमें से माइनस कर लोगे। तो 18 में से 16 नंबर माइनस करेंगे 4 7 6, यानी कि 100। 18 में से 16 माइनस करेंगे तो आपके 64 के लमसम कट ऑफ जनरल की रहेगी, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी। यही है, इससे मतलब इससे ज़्यादा भी नंबर डिक्रीज हो सकते हैं, पर मैंने मिनिमम मैक्सिमम नंबर आपको बताया 12 से 16 नंबर, यानी कि आपको 65 से 70 के बीच, यानी कि 68 के लमसम आपकी कट ऑफ जनरल की रहेगी। कितनी? 64 से 68 के बीच जनरल की कट ऑफ। जैसे कि ओबीसी की मानते हैं हम, ओबीसी के आया जैसे कि 75 नंबर 75 की कट ऑफ गई थी, तो ओबीसी की अब की बार 58 से 63 के लमसम जाएगी। तो मैं आपका दो कैटेगरी बता रहा हूँ, आप उसके फिर आपने हिसाब से 12 से 16 नंबर माइनस करके आप अपने कैटेगरी हिसाब से जोन वाइज देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आगे की वीडियो में चल मिलेंगे, रिजल्ट आएगा तब अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसकी रिजल्ट आ जाएगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, आगे की वीडियो में जल मिलेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आगे की वीडियो में जल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।